हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं एक बॉक्स। उसका नाम है बॉक्स ही है। उसमें हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे कि स्टेपलर रख सकते हैं, शार्पनर रख सकते हैं, पेंसिल रख सकते हैं और कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम चालू करते हैं वो बॉक्स बनाने का। ठीक है, पहले आप कोई भी A4 साइज पेपर ले लो, उसको इस तरह से ऐसे फोल्ड करो। ठीक है, ऐसे मैंने फोल्ड कर दिया, देखो ऐसे, आप देख सकते हैं, ऐसे करा और उसको बाद में ऐसे कर दिया। देखो, अब देख लो, ऐसे है और ऐसे अंदर से फोल्ड कर दिया। आपको ऐसे नहीं करने का है, फोल्ड ऐसे करने का है। ठीक है, बाद में फिर से ऐसे फोल्ड कर लो। बाद में फिर से आपको वैसे ही हमने ऐसे फोल्ड किया था, उसको फिर से ऐसे फोल्ड करने का। ठीक है, बाद में उसको खोल डालने का। इधर जो खुला पार्ट है, हाँ, उसको ऐसे ये जो लाइन है उधर तक फोल्ड करने का। ठीक है, लाइन है उधर तक फोल्ड करने का। ठीक है, बाद में इधर बंद पार्ट है, बंद, उसको फोल्ड करने का। ठीक है, एक खुले पार्ट को फोल्ड करने का और एक बंद पार्ट को फोल्ड करने का। वैसे ही ऐसे ही खुले और बंद पार्ट को फोल्ड कर देने का है हमको। दोस्तों, अब ये फोल्ड हो चुका है, आपको ऐसा कुछ नजारा दिख रहा होगा। अब उसको ऐसे फोल्ड करना है अंदर की साइड। ठीक है, ऐसे वैसे ही मैंने ऐसे अंदर फोल्ड किया, इसको ऐसे, इसको भी ऐसे अंदर से फोल्ड करने का। ठीक है, ये फोल्ड हो चुका है। इधर देखो खुला होगा, इधर से आपको फिर से फोल्ड करने का है, ऐसा कुछ दिखेगा। ठीक है, अब इधर जो ऐसे खुला दिख रहा है आपको, उसको ऐसे ऊपर ले लेगा, ऐसा कुछ हो रहा होगा। इधर आपको लाइंस दिख रही होगी, हाँ, तो उसको ऐसे करके ऐसे कर देने का है। इधर भी ऐसे कर देने का है। ठीक है, देखो अब हमारे डब्बे का आधा हिस्सा हो गया है। ठीक है, अब इसको इधर से ऐसे फोल्ड करने का,